ह्यूमन आई जो है वो इंसानों के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स में से एक है। इसकी वजह ये है कि ये हमें हमारे आसपास की रंग बिरंगी दुनिया देखने में मदद करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम लोग दुनिया के रंगों को देख सकें और उन्हें एडमायर कर सकें। अगर कोई इंसान अपनी आंखें बंद कर ले तो वो कुछ हद तक चीज़ों की स्मेल से उन्हें पहचान सकता है, वो क्या आवाज़ करती हैं उससे उन्हें पहचान सकता है, लेकिन कभी भी वो अपनी आंखें खोले बिना किसी भी चीज़ रंग को नहीं पहचान सकता। इसीलिए सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स में से जो इंसानों की आंखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें हमारे आसपास की दुनिया के रंग देखने के लायक बनाती हैं। इंसानों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल कैमरा की तरह ही हैं। हमारे शरीर में हमारे दिमाग के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है वो हमारी आंखें ही हैं। हमारी आंखें जो हैं वो हर एक सेकंड में 50 से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर सकती हैं। इसीलिए जब भी आप किसी खूबसूरत गार्डन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सारे फूल एक साथ खूबसूरत दिखाई देते हैं। चिड़िया भी उतनी ही प्यारी लगती है और पेड़ भी उतने ही सुंदर लगते हैं। हमारी आँखों की क्षमता है कि वो 10 मिलियन रंगों को पहचान सके, 10 मिलियन अलग अलग रंगों में फ़र्क कर सकें। हमारी जो आँखें हैं वो बिल्कुल एक कैमरा की तरह है। इनमें भी एक लेंस सिस्टम है और वो जो लेंस है उसी की हेल्प से सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन होती है। हमारी आईज जो हैं हमारी बॉडी की सबसे फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं। एक सेकंड के 100वें हिस्से में हमारी आईज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर लेती हैं। हमारी आँखें जो हैं वो गोल हैं। इस समय जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको दिख रही हैं हमारी आँखें आगे से, लेकिन अब अगर हम लोग इन आँखों से स्किन को हटा दें और इन आँखों को साइड से देखें तो हमारी आँखें पूरी तरह से गोल। हमारी आँखों में एक लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है जिसको बोला जाता है रेटिना। रेटिना की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इमेज फॉर्मेशन में, क्योंकि जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन ही रेटिना पे होती है। जो भी हम लोग देखते हैं उसकी तस्वीर हमारे आँखों के रेटिना पे बनती है। जो लाइट है वो हमारी आई में एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन कॉर्निया, ये जो अभी आप दिखाई दे रही है आगे को थोड़ी सी बल्ज हुई हुई, आप देख रहे हैं हमारी आई जो है पूरी की पूरी राउंड है, लेकिन आगे से हमारे लेंस के आगे की तरफ से ये थोड़ी सी बल्ज हुई हुई है, तो इसे बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, और इसी के थ्रू जो लाइट है वो हमारी आंखों में एंटर करती है। हमारी जो आईबॉल है यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो लगभग गोल होती हैं और इनका डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अभी आप लोग जो हैं लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में जानते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो बेंड होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। इसीलिए जब हमारी आँखों में लाइट एंटर करती हैं तो वो एयर यानी कि लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो इसीलिए जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्ट भी होती हैं। लाइट रेज की जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो हमारे कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही हो जाती है। और हमारा जो आई लेंस है, देखिए हमारा एक कन्वेक्स आई लेंस है जो कि आपको अभी दिख रहा है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये जो लेंस है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। हमारी आँखों में आने वाली जो लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन तो ज़्यादातर हो जाती है कॉर्निया पे, लेकिन ये जो लेंस है इस ये अपना रोल प्ले करता है लाइट इमेज की फोकसिंग के लिए। जो लेंस है लेंस ही प्रॉपर अपनी फोकल एडजस्टमेंट करके एक प्रॉपर इमेज फॉर्म करता है हमारे रेटिना पे। अब हमारे कॉर्निया के बाद हम लोगों को दिखता है आयरिस। आयरिस हमारी आँखों का वो रंग बिरंगा भाग है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि किसी की आँखें हरी हैं, किसी की भूरी हैं और किसी की काली हैं। ये जो आयरिस है इसके अलग अलग रंगों के होने की वजह ये है कि इसमें एक खास एलिमेंट होता है।
हमारा जो आयरिस है उसमें एक खास कंपोनेंट होता है जो अलग अलग रंगों की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको ये नीली आंखें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान की आंखों ने जो नीली लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और बाकी सभी रंगों की लाइट अब्सॉर्ब कर ली। इसीलिए हम लोगों को जो लोगों की आंखें हैं वो रंग बिरंगी दिखती हैं और अलग अलग रंगों की दिखती हैं। हमारी जो आयरिस है, हम सबकी आयरिस के भी पैटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो आयरिस है उसके 256 तरह के अलग अलग करैक्टरिस्टिक हैं, 256 यूनिक फीचर्स हैं, जबकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिक फीचर्स हैं। इसीलिए जो आयरस स्कैन है इसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारे फिंगरप्रिंट्स से ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद जो आपको एक और बात आयरस के बारे में याद रखनी है वो ये कि आयरस जो है वो एक मस्कुलर डायफ्राम है, एक मसल से बने हुए पर्दे का काम करता है। और अगर ये पर्दा है तो ये ढकता किसको है? इट सराउंड्स प्यूपिल। अभी ये जो आपको हमारी आई में सबसे पहले दिखा वाइट पोर्शन के अंदर आपको दिखा आयरस, और आयरस के अंदर ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर की डॉट दिख रही है ना, दिस इज प्यूपिल। ये प्यूपिल जो है ये बिल्कुल एक होल की तरह है और ये हमारी आई में एंटर करने वाली लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। हमारी जो आई है, आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हमारी आई में उल्टी इमेज फॉर्म होती है, यानी कि अगर आप कोई इंसान देख रहे हैं तो आपके रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हुई है ना उसमें उस इंसान के पांव ऊपर हैं और सर नीचे। क्योंकि हमारी जो आई है वो एक पिन होल कैमरा का काम करती है। पिन होल कैमराज जो हैं उनमें रेस के रिफ्रैक्शन की वजह से हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। रेटिना जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है जो कि दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल से बना है। वो सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स। अब आप ध्यान से सुनिए, वो सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स। जो तो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स हेल्प करते हैं हमें अलग अलग शेप्स को पहचानने में, और जो कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स हमें कलर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अब होता क्या है कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं हमारी आंखों के, जैसे ही उन्हें लाइट हिट करती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं दोनों ही आईज से, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये जो सिग्नल्स हैं हमारा ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है और फाइनली हम लोग इन सिग्नल्स को परसीव करके ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है अपने माइंड में फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो आई है ये प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। अभी ये तो होगी हमारी आई की फंक्शनिंग, लेकिन इतने डेलिकेट ऑर्गन की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है? हमारी जो आई है, हमारी आई के सबसे बाहरी जो आपको वाइट वाइट पोर्शन दिखता है ना, दैट इज स्क्लेरा। ओके, दैट ऑर्गन इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है एक हार्ड फाइब्रस टिश्यू है जो कि हमारी आई को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमारी आई का जो हार्ड पार्ट है उसको बोला जाता है स्क्लेरा। हमारी आई को किसी भी फिजिकल इंजरी से बचाने के लिए स्क्लेरा हरदम हाजिर रहता है। स्क्लेरा के अंदर होती है एक और लेयर, दैट इज कोरोइड। कोरोइड जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की डेंस लेयर होती है। कोरोइड का काम क्या है कि कभी अगर बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइट हमारी आई में एंटर कर जाए तो कोरोइड जो है उस एक्स्ट्रा लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर। इसके अलावा हमारी आई में जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और हमारी आई कैविटी भी और हमारी आई भी अंदर से हॉलो है, तो इन दोनों ही कैविटीज़ में एक ह्यूमर फिल होता है, एक फ्लूइड फिल होता है। हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच की कैविटी में फिल होता है एक्वस ह्यूमर, और हमारे कॉर्निया और आई लेंस की कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, और हमारी आई के अंदर की कैविटी में प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर।
अब ये जो विट्रस ह्यूमर है और एक्वस ह्यूमर है, ये हमारी आई को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोलैप्स होने से बचाता है। तो इस तरह से हमारी जो आई है सिर्फ और सिर्फ इसको एनवायरनमेंट फैक्टर्स से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे किसी भी तरह के फिजिकल इंजरी से बचाने के लिए भी जो आई का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू डू सो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑपरेनिस्टिक। थैंक यू।